सैमसंग गैलेक्सी 8 है ना, इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन मान लीजिए 4-5 दिन हो चुके हैं। बट यहाँ पर मैं इसका एक फुल रिव्यू करने वाला हूँ कि फ़ोन कैसा है, कि आपको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, फ़ोन का कैमरा कैसा है, फ़ोन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या आपको ये फ़ोन 9,500 रुपये की कीमत में ख़रीदना चाहिए। हालांकि मैं स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 9,500 रुपये की कीमत पर ख़रीदें, बट अगर आप ख़रीदने का मन बना चुके हो, सैमसंग का ही फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, तो शायद आपके लिए अच्छा है। कैमरा वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप कलर एक्यूरेसी वगैरह देखते हो तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। 6.2 इंच की HD+ की डिस्प्ले दी हुई है, मतलब फुल HD+ डिस्प्ले नहीं है। और जो पैनल है वो भी शायद IPS पैनल नहीं ही है, TFT पैनल है। कहीं वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन तो नहीं है, बट मुझे लगा कि IPS पैनल से थोड़ा सा लोअर विज़न है इसमें, और AMOLED डिस्प्ले भी नहीं दी गई है। फ़ोन में बैक साइड में अगर आप बात करते हो तो प्लास्टिक बिल्ड में फ़ोन आता है, और एक्चुअली में यहाँ पर 13+2 MP के दो डुअल रियर कैमरा दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। A10 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं, क्योंकि A10 मैंने यूज़ किया हुआ है, रिव्यू भी किया हुआ है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट साइड में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। आजकल के सैमसंग के फ़ोन में ये भी हो चुका है कि इसमें एक ऑप्शन देने लगे हैं, अगर आप फ्रेम कट करना चाहते हो, फ्रेम इन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कंसिडर करने से पहले, अगर आप ख़रीद रहे हो इस फ़ोन को तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। 2 GB 32 GB वाला वेरिएंट है, मतलब आप ख़रीदना चाहते हो 3 GB 32 GB भी ख़रीद सकते हो, बट मतलब नहीं है 11,000 रुपये की कीमत में उसे ख़रीदने का। एंड्रॉयड 9.0 दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। डेली टू डेली लाइफ में कोई इशू नहीं होता, बट मल्टीटास्किंग, हैवी मल्टीटास्किंग आप 2 GB वाले वेरियंट में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 GB के वेरियंट में आप क्या कर लोगे यार। इसमें आप 512 GB तक का SD कार्ड डाल सकते हो, तीनों चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो एक साथ, दो मेमोरी कार्ड मतलब दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, आप तीनों चीज़ें एक साथ सेमलेसली इसमें चला सकते हो। माइक्रो यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, जो कि 2 से 2.5 घंटे आपको 4,000 mAh की बैटरी फुल कर देगा। 4,000 mAh की बैटरी आपको तकरीबन 1.5 दिन आराम से निकाल देगी, क्योंकि सैमसंग का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। गेमिंग वगैरह मैंने नहीं की है इसमें, क्योंकि हीलियो P22 प्रोसेसर दिया हुआ है, तो इतने अच्छे तरीके से गेमिंग आप कर नहीं सकते हो, तो वो उस चीज़ के चक्कर में गेमिंग वगैरह नहीं की है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करोगे तो आपको फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इवन फिंगरप्रिंट के अलावा फेस अनलॉक की बात करता हूँ तो काफ़ी देर बाद में वर्क करता है। सैमसंग ने कॉस्ट कटिंग के लिए सारी चीज़ें इसमें की है, फिंगरप्रिंट स्लो है, फेस अनलॉक स्लो है, फेस अनलॉक का रेस्पॉन्स स्लो है, सारी चीज़ें स्लो है, प्रोसेसर पुराना है। हालांकि सैमसंग ने प्रोसेसर इंप्रूवमेंट किया है, सैमसंग ने खुद के प्रोसेसर से लिए प्रोसेसर दिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इवन यहाँ पे अगर आप डेली लाइफ में फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको कोई इशू नहीं देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 9.0 दिया हुआ है, जो कि सैमसंग की वन UI के साथ में आता है। फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से वन UI में परफॉर्म करता है, हालांकि ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको सैमसंग का जो फ्लेक्सिबल लेवल का एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिल जाता है, तो वो इशू नहीं होता है। फ्रंट कैमरे की अगर आप बात करते हो तो फ्रंट कैमरे में मैं आपको सेल्फी लेके दिखा देता हूँ। आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन ऑलरेडी ऑन है इसमें, और इतनी अच्छी डिटेल आपको फ्रंट कैमरे में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप जूम इन करते हो तो एक नकली सी फोटो देखने को मिलेगी, तो ये भी एक इशू है इसके कैमरे के साथ में। हालांकि ब्यूटिफिकेशन में मोड कर ऑफ कर देता हूँ, तब भी अगर आप फोटो को जूम करते हो तो भी आपको इतनी अच्छी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आप सैमसंग के कैमरे को आप कह सकते हो कि काम चलाओ कैमरा है, केवल फ़ोटो लो और यूज़ करो, मतलब कोई आप ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते हो। बैक कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो बैक कैमरा भी यही है कि अगर आप फ़ोटो वगैरह लेते हो तो, हालांकि बैक कैमरा में थोड़ी बहुत डिटेल मिल जाती है आपको, शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जल्दी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा, और बैक कैमरे में डिटेल वगैरह मिल जाती है आपको, बट इतनी अच्छी फ्रंट कैमरे में डिटेल नहीं मिल पाती है। फुल HD+ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट कोई मतलब जैसे आप कहते हो ना कि स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सो ओवरऑल शायद मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, डिस्प्ले वगैरह फ़ोन की काफ़ी अच्छी, डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि फ़ोन थोड़ा ओवर प्राइज्ड है, और फ़ोन मतलब 9,500 रुपये कीमत में कहाँ एग्जिस्ट करता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट सैमसंग का फ़ोन है तो आप कह सकते हो कि यार एग्जिस्ट करता है। ऐसे अच्छा आप Realme 5 खरीद सकते हो, MI का कोई और फ़ोन खरीद सकते हो, Realme 3i खरीद सकते हो, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी जो डिवाइस होते हैं आज के टाइम पे वो सैमसंग नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो वाई, बट सैमसंग अच्छा ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अच्छा फ़ोन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।